इसराइल हमास की जंग खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। ये लड़ाई अब लाल सागर तक पहुंचती दिख रही है। लाल सागर में ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। हुती विद्रोही अपने ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। इस कारण दुनिया भर पर व्यापार को लेकर संकट पैदा हो गया है। ऐसे में इसराइल का साथ दे रहा अमेरिका इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका ने तुरंत मैरीटाइम फोर्स को लाल सागर तक फैला दिया है और लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत हुती विद्रोहियों की मिसाइलों और ड्रोन को लगातार भेज रहे हैं। खबर है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने हुतियों के एक दर्जन ड्रोन विमानों को गिराया है। यहां तक कि अमेरिका ने हुतियों को मजा चुकाने के लिए लाल सागर में मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर और हमलावर ड्रोन तक तैनात किए हैं। वहीं हुतियों ने इसराइल को गाजा में हमले बंद करने को कहा है, नहीं तो वो लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाता है। उधर अमेरिका के सामने हुतियों का टिक पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अमेरिकी नौसेना के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, मुख्य गन के लिए विस्फोटक गोले और नजदीक से हमला करने के लिए कई हाईटेक हथियार हैं। यही नहीं, अमेरिकी जहाजों में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ने की भी क्षमता है, जो ड्रोन और उसके हैंडलर के बीच संपर्क को काट सकते हैं। हालांकि अमेरिका को इस लड़ाई के लिए हथियारों पर भारी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन ईरान के इशारे पर काम करने वाले हुती विद्रोहियों को अमेरिका के साथ पंगा भारी पड़ सकता है और ये जंग आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर विश्व के व्यापार पर पड़ सकता है।